Hello dear students, today our topic is watermark. हमने ये इससे पहले पढ़ा है watermark क्या होता है, इसके notes आपको मिल चुके हैं. तो आज हम उसी session का जो है practical demonstration यहाँ पर दिखाएंगे, practically करेंगे कि watermark कैसे insert होता है, अगर उसमें change करनी है तो कैसे करेंगे. वाटरमार्क जैसे आप लोगों को पता है, वाटरमार्क ये अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट रखने के लिए हम करते हैं, ताकि हमारे डॉक्यूमेंट को कोई और चुरा ना ले. तो इसलिए हम ये वाटरमार्क यूज़ करते हैं. ये क्लास 11th यानी लेवल 3 स्टूडेंट्स के लिए है. मुझे उम्मीद है आप लोग लेक्चर्स टाइम टू टाइम पढ़ रहे हो और नोटबुक्स अपनी मेंटेन कर रहे हो. इस लॉकडाउन का भरपूर फ़ायदा उठाइए, तो ऐसा ना हो कि कल अचानक लॉकडाउन खुल जाए और आपका सिलेबस इनकम्प्लीट हो. तो इसलिए जो भी हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसको अच्छे से क्लीनली पढ़िए, समझिए, और अगर कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो रिप्लाई किया करें, हमें पर्सनली फ़ोन किया करें आप लोग. हम कोशिश करेंगे आपके उस कन्फ्यूजन को क्लियर करने का. वाटरमार्क इन MS Word 2007 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमने खोल रखा है. हम जो ये लिस्ट्स है, वाटरमार्क्स है, उसके बाद टेबल मैनिपुलेशंस है, ये हम MS Word सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं. तो हमारा जो लेसन है वो है वर्ड प्रोसेसिंग एडवांस्ड. तो वर्ड, ये MS Word जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है. हमें अगर वाटरमार्क इंसर्ट करना होगा तो हम जाएंगे ये जो ऊपर टैब से हम पेज लेआउट में जाएंगे. होम टैब है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंसेस है, मेलिंग्स टैब है. तो हमें जाना है पेज लेआउट टैब में. यहाँ पर वाटरमार्क ग्रुप है, वाटरमार्क एक कमांड है, उस पर अगर हम क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक वाटरमार्क आ गया. यानी कि ये पेज पे जैसे लिखा होता है इसके ऊपर हम लिख लेते हैं, ये बैकग्राउंड में एक डिम कलर का ब्लर्ड टेक्स्ट आ जाता है जिसके ऊपर हम टेक्स्ट लिख लेते हैं. हम कस्टम वाटरमार्क अगर हम डालेंगे तो हम जाएंगे इसी वाटरमार्क पे, यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे. यह कस्टम वाटरमार्क मतलब अपना टेक्स्ट जो आप देना चाहते हो अपने नाम का, जैसे आप अपना नाम देना चाहते हो किसी डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में आ जाए, ताकि जो भी इसको कॉपी करे उसको आपका नाम साथ आए, कि ये पता चले कि ये किसका डॉक्यूमेंट है. आप पिक्चर वाटरमार्क भी कर सकते हो, टेक्स्ट वाटरमार्क भी डाल सकते हो, यानी कि पिक्चर भी रख सकते हो अपने पेज के बैकग्राउंड में. तो यहाँ पर जो टेक्स्ट वाटरमार्क पे टेक्स्ट लिखिए ये आपको मिटाना है, क्लिक करनी है वहाँ पर. वहाँ पर आप अपना लिख सकते हो, जैसे मैं लिखूँगा GHSS शिशोद श्यामा, यानी अपने स्कूल का टाइटल मैं दूँगा, तो ये रहेगा वाटरमार्क. यहाँ पे फॉन्ट कलर भी, फॉन्ट साइज़ भी आप चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हो लेआउट, यानी कि ये डायगोनली रहे या हॉरिजॉन्टली रहे. उसके बाद ओके या अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपके पेज में ये बैकग्राउंड आ जाएगा, वाटरमार्क आ जाएगा GHSS शोध. इसके बाद अगर इसका आप प्रिंट निकालोगे, आपने कोई पोएम लिखी है, कोई नोट लिखा है, उसको अगर आप किसी और को भी दोगे तो उसको ये, वो इस वाटरमार्क को नहीं मिटा सकता है आपकी परमिशन के बगैर. यानी कि आपकी परमिशन के बगैर वो इस डॉक्यूमेंट को अपना नाम नहीं दे सकता. ये वाटरमार्क हमेशा रहेगा तब तक जब तक आप उसको राइट ना दोगे. आप ना चाहोगे कि उसको ये वाटरमार्क हटना चाहे, वो अपना रखना, उसको वो अपना रखे. तो वाटरमार्क हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिवेंट करता है चोरी से, ताकि कोई और हमारे डॉक्यूमेंट को चुरा ना ले. यानी कि इससे एक कॉपीराइट बनता है कि इसका नाम जो, जैसे GHSS शिशोद श्यामल है हमारे स्कूल का नाम, जो भी इसको प्रिंट करेगा, कॉपी करेगा, फोटोस्टेट करेगा, उसको हमारे स्कूल का नाम साथ आएगा. यानी कि जिससे पता चलेगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है, ये नोट्स जो है, ये कहाँ पर किसकी प्रॉपर्टी है.
ये किसने बनाए हैं। आप देख सकते हो ये वाटरमार्क जो है हम इसके ऊपर लिख पाते हैं। ये जैसे पेज को कलर आया है, जैसे पेज को ये इसके साथ चिपकाई है, पेज पे लिखा हुआ है बैकग्राउंड में। इसको आप लेटर ऑन रिमूव भी कर सकते हो। वहीं पे वाटरमार्क्स ड्रॉप डाउन है बटन पे एक कमांड आता है रिमूव वाटरमार्क, जिसको आप बाद में रिमूव भी कर सकते हो। वाटरमार्क यूज़ टू प्रिवेंट ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम थेफ्ट, यानी कि कोई और इंसान जो है आपकी परमिशन के बगैर इस डॉक्यूमेंट को अपना नहीं बना सकता है। ये इमेजेस और वीडियोस पे भी यूज़ होता है। जैसे इमेज पे कोई वाटरमार्क डालेंगे, एक ब्लर्ड कलर का धुंधला सा कोई टेक्स्ट डालेंगे जो दिखता तो है लेकिन ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है, तो उससे इमेज भी एक इमेज पे भी एक कॉपीराइट बन जाता है। यानी कि उस इमेज को भी कॉपी पेस्ट अगर कोई भी कर ले तो देखने वाले को पता चलेगा कि ये किसका किसकी ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल इमेज जो है ये किसकी है। उसके बाद अब अगर आपने रिमूव वाटरमार्क जैसे नीचे उस पर क्लिक किया तो ये वाटरमार्क मिट जाएगा, जैसे ख़त्म हो गया ये वाटरमार्क। ये आप कर सकते हो, यानी कि जिसने ये बनाया है, जिसके सिस्टम पे अवेलेबल है। याद रखना है टेक्स्ट पे आप टेक्स्ट रख सकते हो कि जो वाटरमार्क आ जाए, पिक्चर भी आप रख सकते हो। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद सिलेक्ट पिक्चर जब आप करोगे तो पिक्चर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी पिक्चर चूज़ कर सकते हो अपने सिस्टम से और वो पिक्चर जो है एज वाटरमार्क आ जाएगी, जो हमेशा आपके डॉक्यूमेंट पे रहेगी। फिर जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं पिक्चर हमारी डॉक्यूमेंट में एज वाटरमार्क आ गया। बेहतर रहता है टेक्स्ट रखना वाटरमार्क। आई होप यू गॉट दिस। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।